बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो कुछ एग्जांपल्स हैं आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल नंबर 13.1। जो एग्जांपल नंबर 13.1 है ये इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक जो है वो कर चुके हैं और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड। यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी एक कंडक्टर में से पास हो रहे हैं इतने टाइम के लिए, ठीक हो गया। फाइंड द करंट इन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब आपको पता है जब भी कोई चार्ज मूव करता है किसी कंडक्टर में कुछ टाइम के लिए, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको उन्होंने बता दिया है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इतने टाइम के लिए, तो आपने क्या पता करना है, आपने ये पता करना है कि उस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज़ 1 × 10⁻¹⁹ कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं इस तरह से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपको जो प्रोवाइड किए गए वो लिख लिया आपने। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। माइनस यहाँ नहीं लगा हुआ, आप खुद से लगा लीजिएगा। उसके बाद जो टाइम आपको गिवन है वो है 1 माइक्रो सेकेंड। टाइम को टी से डिनोट करते हैं और लिख दिया हमने 1 माइक्रो सेकेंड, माइक्रो मीन 10⁻⁶। अब आपने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फाइंड आउट करना है इस कंडक्टर में से कितना गुजर रहा है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज गुजरा कितने टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो टोटल चार्ज है वो नहीं उन्होंने हमें दिया हुआ, उन्होंने कहा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, ठीक है, नंबर दे दिया है, टोटल चार्ज नहीं आपको बताया। तो आपने टोटल चार्ज खुद निकालना है। वो किस तरह से आप निकालते हैं, आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो वही अगर आप यहाँ पे करना चाहें कि आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू क्या है, एन ई या ई एन, कोई भी एक चीज़ आप आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ एन की क्या वैल्यू है, 1 × 10⁻⁷, ई क्या है 1.6 × 10⁻⁹, डेल्टा टी क्या है 1 × 10⁻⁶। इस पूरे फैक्टर को जब आप अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁶ कूलम पर सेकेंड। अभी जो कूलम पर सेकेंड है ये एम्पेयर के इक्वल होता है। तो आपने एम्पेयर में करंट निकाल लिया कि 1.6 × 10⁻⁶ एम्पेयर, या इसको आप माइक्रो भी लिख सकते हैं, यानी 1.6 माइक्रो एम्पेयर करंट जो है इस वक्त इतने चार्ज की वजह से इस कंडक्टर में से गुजर रहा है, ठीक हो गया। ये थी एग्जांपल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। कहते हैं कि आपके पास कोई आयरन की वायर है जिसमें से 0.75 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, किस वजह से, 1.5 वोल्ट की बैटरी अटैच करने की वजह से। तो द लेंथ ऑफ द वायर इज 5 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 × 10⁻⁷ m². अब आपको उस वायर की लेंथ भी बता दी गई है वो कितनी है, 5 मीटर है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको बता दिया गया है। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। इस एग्जाम्पल में सारा का सारा डाटा उन्होंने एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसमें आपने खुद कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आप फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अंदर वैल्यूज पुट करके उसको कैलकुलेट करेंगे। सारी चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट्स में उन्होंने आपको प्रोवाइड की हैं। अब स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक था उस टॉपिक में आपने देखा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है,
रो जो थी वो उसका फॉर्मूला था, ये लिखा हुआ उसका फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल के इक्वल है। तो एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, लेंथ, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं दी गई आपको। रेजिस्टेंस की जगह आपको करंट और वोल्टेज बता दिया गया है। तो जब आपको करंट और वोल्टेज बता दिया जाए तो आप बाय ओम्स लॉ रेजिस्टेंस खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, ये ओम्स लॉ है। R इज इक्वल टू वी ओवर आई, वी की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, 1.5 वोल्ट। करंट कितना है, 0.75 एम्पेयर। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओम। अब स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली तो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूला पे आए, रेजिस्टिविटी है जी रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर की वैल्यू 2 ओम, एरिया की वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 7 मीटर स्क्वायर ओवर लेंथ आपने पुट करनी है 5 मीटर। ठीक हो गया। जब आप इस सारे फैक्टर को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी रेजिस्टिविटी की, वो आपके पास आती है 1 इंटू 10 रेस्ट टू पार माइनस 7 ओम मीटर। तो ये थी यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू। एग्जाम्पल नंबर 13.3 पे आए। एग्जाम्पल नंबर 13.3 की जो स्टेटमेंट है वो है, अ प्लेटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको कोई एक प्लेटिनम वायर प्रोवाइडेड है जिसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ओम है रेजिस्टेंस, और आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो आपने जब टेम्परेचर कर दिया 273 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी रेजिस्टेंस हो गई 20 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम। आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जो गिवन डाटा है उसमें एक तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है जो है 10 ओम। दूसरा जो सेकेंड टेम्परेचर है RT 273 डिग्री सेल्सियस, उस पर जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम दी गई है, और आपको कहा गया आपने अल्फा कैलकुलेट करना यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डाटा के साथ आपको ये भी डाटा लिखना चाहिए कि जो इनिशियल टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, और चूंकि डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन, तो इस डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, आप क्या करते हैं जो भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया गया होता है उसको, उसके अंदर आप 273 ऐड कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, 0 दिया हुआ था उसके अंदर 273 ऐड किया, तो T1 जो टेम्परेचर बना हुआ है 273 केल्विन, T2 जो आपके पास होगा वो आपको 273 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो अब इस 273 के अंदर ही आप 273 ऐड कर देंगे तो T2 टेम्परेचर 546 केल्विन हो जाएगा। तो अब जो आप टेम्परेचर निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर में से, आपने इनिशियल टेम्परेचर माइनस करना होता है, तो फाइनल है जी 546 और उसमें से इनिशियल माइनस किया 273। 546 माइनस 273 किया तो आपके पास केल्विन में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो आ गई 273 केल्विन। अब आप टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे यानी अल्फा। तो स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, ये होती है RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू T। अच्छा जी, RT क्या है, 20 ओम है, R0 क्या है, 10 ओम है, ओवर R0 क्या है, 10 ओम है, और T टेम्परेचर को आपने जो निकाला था वो था 273 केल्विन। तो जब आपने ये सारा फैक्टर सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 3.66 इंटू 10 रेज टू पार माइनस 3 पर केल्विन। आपको पता है जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था उसको यूनिट क्या था, पर केल्विन। ठीक हो गया। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3.66 मिली पर केल्विन। तो ये था कि आप किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 13.4। तो जो एग्जाम्पल नंबर 13.4 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट।
आपको कोई एक ओपन सर्किट दे दिया गया है जिसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 2.2 वोल्ट्स है। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। अच्छा जी, जब बैटरी का जो पोटेंशियल था वो था 2.2 वोल्ट, जब आपने इसको 5 ओहम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो फॉल वो डिक्रीज होकर 1.8 वोल्ट हो गई। जाहिर सी बात है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, इस वजह से अब जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द करंट, पहले आपने करंट कैलकुलेट करना है एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और ये भी कैलकुलेट करना है कि बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गिवन डाटा लिखेंगे, जो बैटरी का अपना वोल्टेज है ई, ईएमएफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो है 2.2 वोल्ट। रेजिस्टेंस जो है लोड रेजिस्टेंस या इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे वो है 5 ओहम, और जो सर्किट के अंदर वोल्टेज सेट हुआ है वो है 1.8 वोल्ट। वी आर टू कैलकुलेट आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आई करंट। तो ये जो करंट है इसके लिए वोल्टेज की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली या ये वाली? इसके लिए हम वोल्टेज की वो वैल्यू यूज़ करेंगे जिस वोल्टेज की वजह से ये करंट सेट हुआ। तो सर्किट के अंदर इस वक्त 1.8 वोल्टेज है तो हम यही वाला वोल्टेज जो है यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ये ओहम्स लॉ है, तो वी होगा 1.8 वोल्ट ओवर आर 5 ओहम। ये वैल्यू पुट की तो करंट की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गई 0.36 एम्पेयर्स। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये हमने ईएमएफ वाले टॉपिक में की थी, यानी कि ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। यहाँ पे ई भी आपको पता है, वी भी आपको पता है, अब करंट भी पता है और रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। जब आपने इसको सारी वैल्यूज पुट की, 2.2 वोल्ट, यहाँ पे 1.8 वोल्ट, प्लस 0.36 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस 1.8 को इस साइड पे ले आए, 2.2 में से माइनस करें, जो भी आंसर आएगा उस आंसर के ऊपर 0.36 को आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.11 वोल्ट पर एम्पेयर। अभी जो वोल्ट पर एम्पेयर है ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, क्योंकि रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज ओवर करंट, तो ये वही यूनिट्स जब डिवाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस का यूनिट बनेगा। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आई है आपके पास 1.11 ओहम, और जो आपके पास करंट की वैल्यू आई थी वो थी 0.36 एम्पेयर्स। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये हमारा जो टॉपिक था ईएमएफ वाला, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल थी। अब हमने जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे किरचॉफ्स लॉ, तो फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो हम उस लेक्चर के बाद करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।